हेलो एंड गुड आफ्टरनून गाइस. सो हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो 2020. मेरे साथ हैं एज यूजुअल अली भाई. तो यहां से हमारा एंट्री पॉइंट है. आज का व्लॉग हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आज का दिन हम स्पेंड करेंगे दुबई एक्सपो 2020 में. तो मंगा जब तक कार्ड एंट्री की रिक्वायरमेंट थी कि यू आर वैक्सीनेटेड और मेरे पास वैक्सीनेशन कार्ड है, बट ये घर पे भूल के आए. तो अभी भाई को मैसेज किया जा रहा है, तो जब तक इनका वैक्सीनेशन कार्ड आता है हम लोग यहाँ वेट करते हैं आउटसाइड ऑफ एक्सपो सेंटर, फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं एक्सपो हमें अगेन क्या ऑफर करता है. हाँ जी, तो एंटर हम हो चुके हैं और एंट्री का व्यू कुछ ऐसा है. में काफ़ी तरह के लोग आते हैं और एक तरीके के लोग ये होते हैं जो कि सिर्फ सेल्फी लेने आते हैं. ठीक है, एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि हम इस पॉइंट्स पे हैं और जो कि इंफॉर्मेशन ये है कि पूरा एक्सपो सेंटर है वो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. पहला डिस्ट्रिक्ट आपको कॉन्सेप्ट देता है सस्टेनेबिलिटी का, सेकंड डिस्ट्रिक्ट जो कि आपको कॉन्सेप्ट देता है मोबिलिटी का, और थर्ड डिस्ट्रिक्ट आपको कॉन्सेप्ट देता है अपॉर्चुनिटीज़ का. तो सारे के सारे जो पवेलियन हैं वो मिक्सड अप हैं इन 3 ऑफ दी दोस डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबका कॉम्बो मिलेगा. सो राइट नाउ वी आर गोइंग पाकिस्तान पवेलियन क्योंकि 200 से ज़्यादा पवेलियन है फॉर श्योर. मैप हमने उठा लिया है और गाइड ने हमें शॉर्टकट भी बता दिया कि किस तरीके से आप अपने डिज़ायर्ड पवेलियन पे पहुंच सकते हैं. सो नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 भाई साहब ईरान पवेलियन विजिट करना चाह रहे हैं. तो ईरान
सो गाइस, ये था हमारा पाकिस्तान पवेलियन जो कि हमने विज़िट किया. बहुत ही आला इसके आप पवेलियन ही देख सक रहे हैं. इट्स लाइक टू कलरफुल, दूर से ही दिख रहा है लाइक यस. अब हम सोच रहे हैं ईरान पवेलियन. Why I wanted to visit Iran Pavilion. So वहाँ जाते हैं और देखते हैं ईरान पवेलियन हमें क्या ऑफर करता है.